अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती जहाँ से पिछला एंड हुआ था, जहाँ एरिन के सामने ही रायली राख हो गया, जिससे वो बुरी तरह से टूट जाती है, पर वो कैसे तो खुद को संभालती है और आइलैंड पर लौट आती है। वहीं एड, एनी और वॉरेन को अपने बिस्तर पर रायली का छोड़ा लेटर मिलता है, जो वो सब अपना अपना लेटर पढ़ने लगते हैं, जिसे पढ़ने के बाद वो तीनों बहुत परेशान नजर आते हैं। दूसरी तरफ जब एरिन डॉक्टर सेरा के घर की तरफ जा रही होती है तो उसे चर्च के बाहर स्टूज नोटिस बोर्ड पर प्रार्थना का समय लिखते नजर आता है, जिससे एरिन समझ जाती है कि आज ईस्टर त्योहार का दिन है और आज की रात चर्च में जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि प्रार्थना का समय रात के 12 बजे का रखा गया था और ऐसा आज से पहले कभी नहीं किया गया। इसलिए एरिन तुरंत डॉक्टर सेरा से मिलती है, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। वो अब उसके साथ जो कुछ भी और सब कुछ खबर करती है, जो जानकर डॉक्टर सेरा जाती है। उसे पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर जब उसे उसकी उस खोलते ब्लड का टेस्ट का याद आता है तब उसे एरिन की बातों पर यकीन होने लगता है। डॉक्टर सेरिन अब एरिन को भी उसके खून का सैंपल दिखाती है, जिसे आग में रखते ही वो जलने लगता है, जो ठीक रायली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो देखकर एरिन के भी होश उड़ जाते हैं। वहीं मिसेस कीना फादर से मिलने आती है, जहां फादर बहुत दुखी लग रहे थे, क्योंकि जिस सुपरनेचुरल पावर से उन्हें समझा था कि लीजा चल सकती है, वैसे ही उन्हें सुपरनेचुरली समझ जाता है कि रायली ने खुद की जान दे दी। तब मिसेस किन फादर को समझाती है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उसे अमर किया, पर वो इतना मूर्ख था कि ईश्वर के दिए उपहार को ही उसने बर्बाद कर दिया, और जो ईश्वर को नहीं मानते और उनका अनादर करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, जो बात बाइबल में भी बताई गई है, जो सुनकर फादर को थोड़ा राहत मिलता है। अब सीन डॉक्टर सेहरा की घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम डॉक्टर सेहरा, एरिन और डॉक्टर सेहरा की माँ को देखते हैं। डॉक्टर सेहरा यहाँ बताती कि जो भी चर्च में जाता है उसके शरीर में कुछ तो डाला जा रहा है। इस पर डॉक्टर सेहरा की माँ उसे सवाल करती है कि ऐसा क्या हो सकता है जो उनके शरीर में डाला जा रहा है। तब डॉक्टर सेहरा बताती कि जहां तक मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ, ये कोई वायरस या पैरासाइट है जो हमारे शरीर के खराब सेल्स को बहुत तेजी से ठीक करता है, जो वायरस तेज रोशनी में मर भी जाता है, वहीं जब ये शरीर में होता है तो खून की कमी कर देता है। शायद यही कारण था कि फादर पॉल को खून की उल्टियां हो रही थी। वो आगे ये भी बताती कि पहले वायरस शरीर में कम मात्रा में होता है, जिससे तब तक शरीर सही से काम करता है और उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे जैसे इसकी मात्रा शरीर में बढ़ती जाती है तो शरीर में बहुत तरह के बदलाव होते हैं, जैसा कि मेरी माँ और लीजा के शरीर में हुआ और दोनों ठीक हो गए। वो आगे ये भी कहती कि आप दोनों के खून के सैंपल जब आग में रखे गए तो वो जल गए, और मुझे यकीन है कि ये लीजा के सैंपल के साथ भी होगा, पर एक चीज यहाँ आप लोगों में और रायली में अलग है, आप दोनों का खून भी ज्यादातर नॉर्मल खून ही है, पर रायली का खून शायद पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि शायद उसके शरीर में वो वायरस ज्यादा मात्रा में आ गया, इसलिए जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ी वो एकदम से जल गया। जो सुनकर अब एरिन सवाल करती है कि क्या होगा जब आप माँ बनने वाली हो और आपने गलती से ये चीज अपने शरीर में ले ली हो। तब कहती कि तुम रोज चर्च नहीं जाती थी, और हमारे शरीर की ये खासियत थी कि अगर इसके अंदर कुछ अलग सी चीज घुस जाए तो वो इसको किसी न किसी तरह से बाहर निकालने या अंदर ही नष्ट करने का काम करता है, और तुम हमेशा एक दिन छोड़कर चर्च जाती थी जिस दिन तुम्हारा शरीर उस वायरस को मारने या निकालने में लगा रहता था, शायद इसी वजह से तुम्हारा बच्चा भी अंदर ही खत्म हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रायली के पिता एड को देखते हैं, जो फादर से अपने बेटे के बारे में जानने के लिए आए थे, जो अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित थे क्योंकि उन्हें भी उनके बेटे से लेटर मिला, मानो वो उसका आखिरी पत्र हो, पर फादर साफ इनकार कर देते कि उन्हें उनके बेटे के बारे में कुछ भी पता है। इसके बाद अब एड बताते कि रायली ने जाने से पहले फादर मोन्सिग्नियर के लिए भी एक लेटर लिखा है, जो आप फादर मोन्सिग्नियर को दे देना, क्योंकि वो आपके अच्छे दोस्त है। जिनकी अब जाने के बाद फादर रायली उस लेटर को खोलते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और हम सबको एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। जो पढ़कर फादर उस लेटर को
को गुस्से में फाड़ देते हैं। दरअसल रायली ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फादर अमर बनना चाहते थे और इस लेटर के जरिए रायली ने उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की। वहीं अरिन रायली के परिवार को खतरे से बचाने के लिए बहाना करती है कि उसकी रिश्तेदार के यहाँ पार्टी है जिसमें उन्हें भी शामिल होना होगा, पर रायली की माँ मना कर देती है क्योंकि आज ईस्टर है इसलिए आज रात उन्हें चर्च में होना चाहिए। फिर उसी दौरान रायली की माँ एरिन से कहती कि मैं रायलिन को लेकर परेशान हूँ और अगर उससे तुम्हारी मुलाकात हो तो उसे कह देना कि घर आ जाए। अब यहाँ एरिन उन्हें झूठा दिलासा नहीं देना चाहती थी इसलिए अब वो उन्हें भारी मन से बता देती कि वो अब नहीं रहा, पर उन्हें उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं होता इसलिए गुस्से में उसे घर से ही धकल देती है। अब हम डॉक्टर सेहरा को देखते हैं जो शेरिफ को भी सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे कोई वायरस क्रॉकेट आइलैंड के लोगों में फैल रहा है इसलिए उसे चर्च में जाकर पता करना होगा कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। पर शेरिफ उसे याद दिलाते कि मिसिस किन उससे कितना नफरत करती है, वो उसे गलती से भी चर्च में छानबीन करने नहीं देगी खास करके दूसरे धर्म के लोगों को, इसलिए निराश होकर डॉक्टर सेहरा को वहाँ से जाना पड़ता। अब डॉक्टर सेहरा उसकी माँ एरिन तीनों दोपहर में शहर जाने के लिए शिपयार्ड जाते हैं, पर अब उन्हें पता चलता है कि मेयर ने सारे नाव को रिपेयर करने के बहाने शहर भेज दिया है जिससे उनकी परेशानी अब और बढ़ने लगती है। इतना कम नहीं था कि आयरन की बिजली भी अचानक से चली जाती है और अब शेरिफ की स्टूट से इसके बारे में पता करने पर वो बताता है कि कोई फॉल्ट के कारण बिजली चली गई है जो अब सुबह तक ही ठीक हो पाएगी। दरअसल मेयर और स्टूट दोनों ने मिलकर पूरे क्रॉकेट आइलैंड की बिजली काट दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लाइट की वजह से रात को चर्च के काम में कुछ परेशानी हो। यहाँ इन तीनों को भी बिजली के जाने से समझ आ जाता है कि जो भी आज चर्च जा रहे उनकी जिंदगी जरूर खतरे में, वो अब उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते थे इसलिए तीनों भी चर्च जाने का तय करते हैं। वहीं शेरिफ का बेटा अली अपने पिता से चर्च ले जाने की जिद करने लगता है क्योंकि मिसेस कीन ने उन्हें कहा था कि आज जो भी चर्च के फंक्शन में हिस्सा लेगा उसे अपनी आंखों से चमत्कार देखने का मौका मिलेगा, जो बात शेरिफ को बहुत ही अजीब लगती है इसलिए वो पता करने के लिए अपने बेटे के साथ चर्च जाने के लिए तैयार हो जाता है। आप देखते ही देखते सभी चर्च में इकट्ठा हो चुके थे जहाँ फादर सभी को रिवील करते कि मैं आप सबसे अब तक झूठ कहता आ रहा था कि मैं फादर मॉन्सिग्नर हूँ, जो सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं और उनकी बात को मजाक लेने लगते हैं। पर तभी फादर सबको पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे वो एक ईश्वर के फरिश्ते से मिले जिन्होंने उन्हें फिर से जवान बना दिया, जो सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। तब फादर कहते हैं कि आज मैं आप सबको भी मेरे तरह हमेशा के लिए जवान और अमर बनाने आया हूँ, जो ऐसा कहने के बाद स्टूज को आगे बुलाते हैं और उसे कुछ पी जाने को कहते हैं। वो अब सबको समझाते हैं कि इसको पीने के बाद कुछ देर के लिए आप तड़पोगे और फिर मर भी जाओगे, पर इसके बाद आप वापस से जिंदा होंगे एक नई जिंदगी के साथ। स्टूज अब उनकी बात को मानकर उस ग्लास के खून को सीधे पी जाता है जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगता है और फिर देखते ही देखते उसकी सांसें रुक जाती है। अब ये सब देखकर शेरिफ अपने बेटे को लेकर गुस्से में वहां से जाने लगता है और वो जैसे ही चर्च के दरवाजे की ओर मुड़ता है वो उसी एंजल को देखता है जो फादर जैसी ड्रेस पहना हुआ था, जिसे देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं और शेरिफ भी डर के मारे वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब फादर बताते हैं कि यही वो ईश्वर का फरिश्ता है जो हमारी सभी मुश्किलों को दूर करेगा और हमें अमर बनाएगा, जिसके चर्च में प्रवेश करते ही स्टूज की सांसें फिर से लौट आती है जो एकदम तंदुरुस्त खड़ा हो जाता है, जिसकी बात फरिश्ता अपने पंख पूरी तरह से खोल देता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब मिसेस कीन सबको खून से भरा एक एक ग्लास देती है और कहती है कि आप भी अगर अमर होना चाहते हो तो इसे पी लीजिए, पर इस पर शेरिफ गुस्सा हो जाता है और वहां से फिर से जाने लगता है, लेकिन उनका बेटा उन्हें छोड़कर फरिश्ते को चुन लेता है जिस पर शेरिफ को अब और भी गुस्सा आ जाता है इसलिए अब वो अपनी गन ही निकाल लेता है। मेयर उसे समझाने की कोशिश करता है पर शेरिफ एक नहीं सुनता इसलिए अब सभी शेरिफ को जकड़ लेते हैं, जिसकी बात शेरिफ का बेटा ग्लास में रखा खून बिना सोचे समझे ही पी जाता है, जिसे ऐसा करते देख सभी लोग भी एक एक करके खुद भी पीने लगते है। अब एरिन डॉक्टर सेहरा और उसकी माँ लोगों को ऐसा करने से मना करते है पर कोई उनकी बात को नहीं सुनता, लेकिन लीजा वॉरेन एड एनी शेरिफ डॉक्टर सेहरा और उसकी माँ और एरिन नहीं पीते।
आप जैसे ही बाकी लोगों से पी जाते हैं, वो एक एक करके जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। पर तभी डॉक्टर सेरा की माँ मौका देकर शेरिफ की जमीन पर पड़ी बंदूक उठा लेती है और फादर को बिना चेतावनी दिए उनके माथे पर शूट कर देती है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाते हैं। पर इससे वो फरिश्ता अब एकदम गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो उनके पीछे पड़ जाता है। मिसेस कीन अब तुरंत स्टूज को दरवाजा लॉक करने का आदेश देती है और फादर के पास जाती है, जिनकी धड़कन अब भी चल रही थी। पर अब मिसेस कीन के गुस्से का पारा टूट चुका था, इसलिए वो सबसे पहले शेरिफ को बंधवा देती है, क्योंकि उसने अब ठान लिया था कि वो अब शेरिफ को सबका भोजन बनाएगी, यानी कि सबको उसका खून पिलवाएगी। और अब हम देखते हैं कि सभी एक एक करके रेजरेक्ट होने लगते हैं। पर अब मिसेस कीन का प्लान उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि अब रेजरेक्टेड हुए लोग उन सब पर टूट पड़ते हैं जिन्होंने भी खून नहीं पिया था, जिससे पूरे चर्च में अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान शेरिफ कैसे तो खुद को लोगों से छुड़ाते हैं और अब वो एरिन, डॉक्टर सेरा, वॉरेन, एरिन और लीजा भी किसी तरह से बचते हुए चर्च के पीछे बने कमरे में घुस जाते हैं और उसे अंदर से लॉक कर देते हैं। पर वहाँ वो मिसेस कीन को देखते हैं, जो खुद डर के वहीं छिपी हुई थी, लेकिन भड़की हुई एरिन उसके सिर पर गोली मारकर उसका खेल ही खत्म कर देती है, जिसके बाद अब वो सभी उस कमरे के दूसरे रास्ते से भाग निकलते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि मिसेस कीन भी कुछ देर बाद रिजरेक्ट हो जाती है, जिसका मतलब ये कि उसने भी वो खून पिया था। अब वो चर्च में जाती है, जहां वो देखती है कि चारों तरफ खून ही खून और लाशें फैली है, जिसके बाद अब वो स्टूज को दरवाजा खोलने को कहती है। और अब हम देखते हैं कि मिसेस कीन के आदेश पर फादर और सभी धीरे धीरे खड़े उठते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड 6 यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।